चलिए हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के की पॉइंट्स। चलो पढ़ो आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द जनरल फॉर्म। हाँ सर, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स, अ रियल नंबर एक्स इज सेड टू बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आर द रूट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आर द सेम। हाँ, मुझे इस लाइन का मतलब बताओ। अच्छा, ये जो लाइन तुमने अभी पढ़ी, ये जो आर द सेम, इस लाइन का मीनिंग समझ में आया आपको? हाँ सर आया। तो बताओ क्या है इसका मीनिंग? सर जो रियल नंबर जो x है वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ, और कुछ लिखा हुआ और इन्फॉर्मेटरी है थोड़ा सा, बताओ क्या बोल रहा है ये पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक दोनों को मिला के एक बात कही है उसने, उसका मीनिंग क्या है बेटा? सर करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो उसके बारे में क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलीनोमियल के जीरोस और वो रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, परी ने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बताया कि जैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं वो पी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं पॉलिनोमियल में, और क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हुआ करता है ना? तो मतलब इन दोनों में रूट्स निकालने में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट में और पॉलिनोमियल के रूट में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट। आचल थर्ड पॉइंट। परी आप पढ़ो। डिस्क्रिमिनेंट, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय डी। दिस डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नेक्स्ट, every quadratic equation has two roots which may be real, coincident or imaginary. हाँ, quadratic equation के दो roots होते हैं, वो real भी हो सकते हैं, equal भी हो सकते हैं, और अल्फा और बीटा इमेजिनरी भी हो सकते हैं। चलो फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो देन ए इक्वल्स टू माइनस बी अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होता तो एक बार प्लस ले लिया है और एक बार माइनस ले लिया है, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट पढ़ो। Some of the roots a alpha plus beta equals to b upon a minus b upon a and the product of the roots alpha into beta equals to c upon a। बिल्कुल सही, तो ये sum of the roots हो गया, ये product of the roots हो गया। अगला बच्चों, आप लोगों से equation बनता है, quadratic equation बनाते बनता है जिसके roots given हो। Yes sir। Okay, हाँ, d greater than zero के लिए कौन सी condition होती है बोलो आचल? So real and unequal roots। हाँ, equal to zero के लिए सर इक्वल टू रियल रूट्स, और लेस देन जीरो के लिए सर नो रियल रूट्स। हाँ बेटा, ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आया है और आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो डी इक्वल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत बार मिला है ना? यस सर। चलो अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव करने हैं बच्चों, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, करते रहना। काफ़ी सारा काम मैं आप लोग को देता हूँ, डेली करते रहा करो, ये क्वेश्चन सारे करने आपको। क्वेश्चन नंबर 1 2 देखो, इतनी मेहनत से ये फाइल बनी है, इस पर आंसर भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 है ना, तो फिर इसके बाद आ गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
स्टूडेंट, सेल्फ इवेल्युएशन क्वेश्चन हैं ये, जिनके जिनके आंसर दिए उनको तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पॉइंट्स। पढ़ो आचल बड़ी स्पीड के साथ। यस सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एबी, an AP is a list of the numbers in which early term is obtained by adding each a fixed term amount. Not early term, each term. The fixed number is called the common difference of the AP. If A is first term and D is common difference of AP, then AP is A plus D, comma A plus 2D, comma 2 plus 3D. ये A plus 3D कर लो बेटा, A plus 3D है वो, misprint हो गया। Next, nth term. The nth term of the AP is denoted by AN and AN equals to A plus N minus 1 D, bracket close D, where A is first term, D is common difference. Hmm. Nth term of the end, nth term from the end equals to sir kya likha hai, an equal to l minus n minus 1 into d, formula note kar lo bachcho, nth term from the end, an equal to l minus n minus 1 into d, l matlab last term, theek hai? Yes sir, l minus n minus 1 into d. Next padho beta, three terms. Three terms A minus D, comma A, comma A plus D are in AP with common difference D. Four terms A minus. अगर आपको तीन terms मानने को बोला जाए AP के तो ये लिख लो copy में, ये terms आप AP के लोगे। Four terms अगर मानने को बोला जाए AP का जिनके sum given हो तो ये वाले लगेंगे high level के question। Sum of n natural number होता है n into n plus 1 by 2, natural number का sum, okay? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, जिसका पहला टर्म A हो, कॉमन डिफरेंस D हो, तो फार्मूला SN का ये हुआ करता है, L यहाँ पे लास्ट टर्म, तो एक फार्मूला इसका ये भी बनता है, SN इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में A प्लस L। आई होप सबको याद होंगे ये फार्मूले, ओके? AN, हाँ, nth टर्म का फार्मूला लिख लें बच्चों, अगर सम सीरीज दी गई हो तो SN माइनस SN माइनस 1, मतलब अगर आपके पास सम दिया गया हो और आपको निकालना हो nth टर्म, तो SN माइनस 1 यूज़ होगा। हाँ, D का मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल टू अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो ये कॉमन डिफरेंस AP का हुआ करता है, ओके? कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी कंसेप्ट में? नो सर। नो सर। ओके, नाउ दीज आर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 सारे के सारे कर लीजिएगा, 1 2। ओके, ये आंसर जिनके दिए हैं इनको करने की जरूर कोशिश कीजिए, बड़ी स्पीड में करिए, पूरा मत लिखो, बस जल्दी 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 सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपके आंसर्स आ जाएं, आप मैच कर लो। चलिए ये हो गया, एपी में इतना ही है। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूलेज देखते हैं जल्दी से। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ो आचल, डिस्टेंस फार्मूला। Distance formula, the distance between two points A, bracket x1, y1 and B, x2, y2 is given by the formula AB equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Corollary, अगर आपका एक point origin हो तो यहाँ पे 0 रख दो और यहाँ पे 0 रख दो, तो answer आएगा origin से distance क्या होगी point xy की, under root x square plus y square, done. कोरोलरी का मतलब बेटा, कोरोलोरी का मतलब होता है छोटा सा रिजल्ट जो उससे आए किसी चीज़ से, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 रख दोगे, 0 0, तो आपको एक सर कब पुट करते हैं ये बेटा, जब आपको बोला जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तब पुट करेंगे, ठीक है? ओके सर। जैसे मान लो आपके पास कोई पॉइंट है, मान लो 3, 4, ये मान लो कोई पॉइंट है 3, 4, पॉइंट पी है 3, 4, बोला डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो ओरिजिन वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, अंडर स्टूड है 0, 0, तो आंसर क्या आएगा बेटा डिस्टेंस का, अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो 3 - 0 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर, फिर 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ही होगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, आंसर हो गया अंडर रूट 25। क्लियर? यस सर, क्लियर। पढ़ो सेक्शन फार्मूला।
section formula, the coordinates of the point P x comma y which divides the line segment joining A x1 comma y1 and B x2 comma y2 नहीं देखो इसमें जो रेशियो दिया गया बेटा m रेशियो n दिया गया है तो फॉर्मूला बनेगा m के साथ x2 प्लस n के साथ x1 अपॉन m प्लस n क्लियर एंड एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन मिड पॉइंट के फॉर्मूले क्लियर बच्चों यस सर हाँ मिड पॉइंट में रेशियो इक्वल होता है मतलब एम वन यहाँ और एम वन यहाँ तो मिड पॉइंट का रेशियो क्या होता है बच्चों वन रेशियो वन कोई पूछे मिड पॉइंट किस रेशियो में ब्रेक करता है जितना पार्ट इधर उतना पार्ट इधर तो आंसर क्या होगा वन रेशियो वन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यस सर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड क्या होता है बोलो परी सेंट्रॉइड क्या होता है एच वन प्लस ट्रायंगल के बीच में सबसे ट्रायंगल की मीडियन का कट पॉइंट ट्रायंगल की मीडियन का कट पॉइंट जो होता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं और ये होता है फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री डन चलो ये एरिया तो हट चुका है एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो गायब हो चुका है चलो भाई अच्छी बात है वन बाई टू ये तो हट गया ओके अब इसके क्वेश्चंस लेवल वन वन टू थ्री सर क्वेश्चंस में क्या बेटा सर वो कुछ क्वेश्चंस में दिया रहता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसको प्रूव करना है तो उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा यही फार्मूला लगता है कोलिनियर में क्या होता है एरिया को जीरो कर दो तो यही फॉर्मूला लगा करके अगर एरिया जीरो आ जाता है तीन पॉइंट का क्योंकि देखो बेटा ट्रायंगल है तो ये पॉइंट ऊपर होगा बोलो यस यस सर अगर ये पॉइंट ऊपर है तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा बट यदि ये पॉइंट नीचे आता जाएगा परी yes, तो एरिया कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा और एक सिचुएशन आएगी कि ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया नहीं होता मतलब एरिया कितना आ जाएगा जीरो जी हाँ तो प्रूव हो जाएगा अब क्लियर है यस सर ओके ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको सिक्स सेवन एट लेवल टू क्वेश्चन नंबर वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देन ये चलिए अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है परी बताइए लाइन ऑफ साइट क्या होती है सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है नहीं गलत हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है ऑब्जेक्ट जो जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो होता है या तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं या उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं क्लियर यस यस सर हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए इन ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से और है ना मतलब अपवर्ड देखना पड़ेगा सिचुएटेड अपवर्ड व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड अपवर्ड डायरेक्शन देन द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ओके और जब व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द एंगल फॉर्म बाई द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा क्लियर इसमें तो बच्चों डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे दिए हैं तो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोग की हो चुकी है बंद मत करना
चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं बच्चों सर्किल की। सर्किल में देखिए सबसे पहला पॉइंट है टेंजेंट जो होती है वो, व्हाट इज टेंजेंट? ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, मतलब केवल एक ही पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है पी, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयर इज ओनली वन टेंजेंट, किसी सर्किल में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। ओके, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। अगर आपके पास पॉइंट सर्किल के बाहर है तो उससे आप दो टेंजेंट खींच सकते हो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हेलो, यस सर। अगर कोई पॉइंट बाहर है सर्किल की तो आप उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ो परी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट,